हूं तो शाम को जश्न होना चाहिए। हाँ जी, जश्न तो बहुत बड़ा होगा और मैंने पूरे लोगों का मुंह मीठा करवाना है। सती, हाँ जी, वो बसुरूपी और मिन्नी को जरूर बुलाना है। हाँ बीजी, क्यों नहीं। ओ बेबे, निर्मला को भी मिलकर सुनाएंगे। ओ जी, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाके टैक्सी बुक कराओ। हाँ, सवेरे सवेरे निकल जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। लड़की का ना पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब होगा। पहले तूने उसकी फोटो फाड़ी और फिर उसके बाद उसने तेरा लव लेटर ही फाड़ दिया। दीदी आप मजाक उड़ा लो यार, इसीलिए मैं आपको कोई बात नहीं बताता हूँ। अच्छा चल, सॉरी, गुस्सा ना कर। हटो यार, मैंने बात ही नहीं करनी आपसे। क्यों, अब तू ऐसे करेगा? पापा ने तो बात करना छोड़ ही दिया है मुझसे। अब तू भी ऐसा करेगा तो? यार दीदी, ऐसी क्यों बातें कर रही हो, पुरानी बातों को लेके क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? छोड़ो ना पुरानी बातें। अच्छा ये बताओ, जीजू दा की हाल है? हाय, यस मी, व्हाट्स अप? बड़ी बहन है। सिमरन दीदी बोल। वो बाहर ना सारे नाम से ही बात करते हैं। अच्छा सिमी, वो जो आपकी गवांडन थी मिसेस सैंडर्स, यार उसकी वो क्यूट सी बेटी लीजा, उसका क्या हाल है? यार उसको बोलो ना मेरी हैप्पी बर्थडे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगी, प्लीज। चल ले, तू नहीं सुधरेगा, है ना? वो दीदी, मम्मी ने अचार भेजा था आपको, वो मिल गया था ना? अब पता है अभी मम्मा यहां होती तो क्या बोलती, ओ सिमरन पुत्र, अचार की वेदा लग गया, स्वाद सी ना। अच्छा फतेह, तू ना मम्मी को बोल दियो कि मेरे को अचार स्वाद नहीं, सुपर स्वाद लगा। टू यम्मी। देखो याद है ना, जब हम छोटे होते थे तो कैसे कटी हुई अम्बियों को चुराते थे, ऊपर नमक लगाकर खाते थे और फिर उसके बाद मम्मी से डांट भी खाते थे। ओ मम्मी से डांट तो मुझे पड़ती थी ज्यादा, आप तो मुझे चौकीदार बना के दरवाजे पे खड़े कर देते थे। सच्ची बात बोलूं, अचार तो अब हर साल मिल जाते, बस मम्मी की डांट खाने को नहीं मिलती। ओ कदी सानू ही याद कर लिया करो। मैडम मैं ही फोन करती हूँ, आपका फोन आए तो हजारों करोड़ों साल हो चुके। भूल गई है तू अपनी बड़ी बहन को? वो तो फोन नहीं करती ना? कभी भी नहीं दी, ना मैं भूली हूँ ना मैं इस घर में किसी को भूलने दूंगी। माही क्यों कर दी है इतना? फतेह ने बताया था मुझे, तू क्यों पापा को? देख मैं यहाँ खुश हूँ, तू भी वहां खुश रहे और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे। ये फालतू की ना ऐसी बातों के ऊपर ना ध्यान ना दिया कर, समझ आए? क्या है, आप लोग मुझे ही गुस्सा करते रहते हो, हर टाइम लेक्चर देते रहते हो। बच्ची नहीं हूं मैं, सब समझ आता है मुझे। एनीवे, आप कब आ रहे हो? की कहा, दिल तो बहुत करता है माही आने का, पर ओ यार दीदी प्लीज आ जाओ ना, आप एक बार इधर आ जाओगे हम सब ने मिलके पापा को मना लेना है। तेरे जीजू मेरे बिना तो डिनर ही नहीं करते हैं। और ना सारे अनु मेरा प्यार देवी। अमरीत एक मिनट गल सुनी। जी अम्मा आया। अच्छा चल बाय बाय। अरे ये देखो यार, काठी वालिया, ये तो सेकंड राउंड में आता है।
अरे कम से कम तो चारों तक जाएगी ये। लगी लग अरे यार ये देखो जैस्मिन दोबारा आ गई। दोबारा नहीं तिबारा, लगातार 2 साल से रिजेक्ट होती आई है ये। इस बार तो इसकी बहन ने पार्टिसिपेट किया है, तेजो संधू। बंदी में दम तो बहुत है, फाइनल तक जाएगी देखना। मुझे तो लगता है इन दोनों बहनों ने ओलक ब्रदर को टारगेट किया है, ब्याह करा के कट्ठे कनेडा जाना दोनों ने। ओ छड़ परा यार, ये जैस्मिन दे बस दी गल नहीं है इथे सिलेक्ट होना, हले ओनू इथे 20 25 साल तक के खाने पैने। ए जस ये फाइल संभाल लेना। हां श्योर। जहाँ एक तरफ संधू परिवार की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी, वहीं जस उनकी खुशियों पे ग्रहण लगाने को तैयार था। ओ जी सस्त्रीकाल जी, सस्त्रीकाल सस्त्रीकाल जी। ओ जी लड्डू खाओ जी, लड्डू खाओ खाओ खाओ। शर्मा क्यों रहे हो, अभी भी कनेडे वाले हो गए हो ना जी। बहुत बहुत बधाइयां जी। पापा लगता आपके फेवरेट सुरजीत पिंद्रिका के गाने नहीं चल रहे। हाँ पुत्र अभी भी देर नहीं हुई, तू मना कर दे सबको, तू प्यार से समझाएगी तो सबने मान जाना है। तू कह दे उनको कि तेरा सपना कनेडा नहीं है, कुछ ही है पुत्र, जिंदगी जीने और गुजारने में बड़ा फर्क होता है, और मैं चाहता हूं ना कि तू जिंदगी जिए, गुजारे नहीं मेरी तरह। अगर मेरी वजह से सबको जीने का मौका मिल रहा है ना पापा, तो मैं जिंदगी गुजारने में खुशियां ढूंढ लूंगी। तो तू भी अपनी माँ की जिद के आगे घुटने टेक चुकी है, पर पुत्र तेरी खुशी मेरे लिए बड़ी मायने रखती है। मैं खुश हूं पापा सच्ची। पर मैं खुश नहीं हूं, तेरे जान तो बाद मैंने बिल्कुल इकल्ले हो जाना यार। तू मना कर दे उनको, पूरे साल गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार करना पड़ेगा मुझे तुझसे मिलने के लिए। इन्नी सी गल तुसी टेंशन ना लो पापा, मैं अपने बच्चों को आपके पास सर्दियों की छुट्टियों में भी भेज दूंगी, मैं तुम्हें कल्ला नहीं रहने दूंगी। पर पुत्र फिर भी पापा, मैंने कोई हवा में तो हाँ नहीं कर दी होगी ना, बहुत सोच समझ के हाँ की है, और अब हाँ की है तो पूरे दिल से निभाऊंगी। पर पुत्र तू मना कर दे। पापा तुसी आओ मेरे साथ, आओ। देख रहे हो पापा सब कितना खुश हैं, पीढ़ियों से जो सपना देखते आ रहे हैं शायद अब पूरा होना है। बेबे नू देखो, अपने गोड़ों का दर्द भूल गई है, इनकी खुशियां मैं कैसे खराब कर दूं? मेरी खुशियां इनके आगे कुछ भी नहीं है। मैंने फैसला कर लिया पापा, अब हमें कनाडा जाने से कोई नहीं रोक सकता। माता, ओ माता जल्दी आना बाहर, तेरी बहू मिल गई। मिल गई? हाय कितने मिल गई? अरे वहीं जहाँ मेरे को भेजा था नौकरी के लिए, चंडीगढ़ बॉल में। हैं? कनेडा की नौकरी छोड़ के पंजाब में? वो नहीं नहीं मॉम, जहाँ आपने मेरे को भेजा था वो फ्रेंड की नौकरी के लिए। अच्छा अच्छा वहाँ? हाँ जी।
वैसे बहन जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आप सारे कनाडा में रहते हो तो आप लड़की ढूंढ रहे हो पंजाब में? वैसे जस कनेडे फ्रेंडा फ्रूंडा बनाइया के नहीं? नो नो बहन जी, मेरा पुत ता जी सो मच साऊ है जी, साऊ ए ता किसी वल आईज उठा के मतलब आंख उठा के भी नहीं देखदा। वैसे बहन जी आप बॉल में जस की फोटो क्यों नहीं लगवा देते, कितना सोना लगता है, कमाता भी कितना अच्छा है। मैंने तो कहा था जी, इसलिए मना कर दिया, कहने लगा माता मैं नहीं चाहता कि मेरे NRI होने की वजह से कोई लड़की मुझसे शादी करे, और मैंने सुना है कि बॉल में पैसा लगता, बैंक बैलेंस की नुमाइश करनी पड़ती है, पर आप तो जानते हैं ना कि मुझे तो शोशाबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता मुझे तो। भैन जी तुसी बैठो ना, मैं चाह बना के लेंदी हां। नहीं 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 कोई गल नहीं भैन जी, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी सही। हाँ नमस्ते। तो ठीक है फिर। हाँ, ओके बाय। आती रहना। या मॉम। ना टुट पैनिया, ना प्लान क्या है तेरा? प्लान तो बहुत कैंट है मेरे पास। छेती छेती बता। पहले मुंह मिठा करवाओ मेरा। अब बता। आ देख रहे हो, ये है तेजो संधू और ये इसकी छोटी बहन जैस्मिन संधू। और सुना है कि बड़े टाइम से ना कनाडा के मुंडों पे नजर है इनकी। और जो जैस्मिन संधू है ना, ये बॉल का 2 बारी फॉर्म भर चुकी है और हर बारी फेल हो जाती है, और इस बारी इसकी बड़ी बहन तेजो संधू ने भी इसका फॉर्म भरा है। माता लेक्चरार है लेक्चरार, मतलब सारी उम्र कमा कमा के खिलाएगी बस, और कुछ नहीं है। और कितना कमा लेती होगी लेक्चरार की नौकरी करने वाली? 20-25 हजार बस। माता यार आपका पुत्र बेवकूफ थोड़ी है, ये देखो फॉर्म में क्या भरा इन्होंने, 40 किल्ले जमीन है इनकी, 40 किल्ले माता। 40 किल्ले जमीन? चाली किले जमीन लिखवाई है। तो आपको क्या लगता है तेजो के लेक्चरर होने की वजह से उसका फॉर्म सिलेक्ट हुआ है? तेजो को पता है इस बात का? अरे उसको पता चल गया ना, बाय गॉड की सो हम गाड़ी में नहीं गाड़ी के बाहर नजर आएंगे। बीजी अगर आपसे कोई पूछे ना तो ढक लेना, संभाल लेना। फिक्र ना कर दू, फिक्र ना कर, आपके बेटे का तो आपको पता ही है। मेरा बेटा है? हाँ, आपका बेटा है, इसलिए बता रही हूँ। अगर उनसे किसी ने पूछ लिया ना, उन्होंने तो खुल्ला ही बता देना। ना जी, हमारे पास 40 किले नहीं, 4 किले जमीन है। चली क्या रही है? इस बार कुड़िया कनाडा चली जाए बस, रब से और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तेजू कनाडा पहुँच के ना जिंदगी की लाइफ बन जानी है, मजे को फन हो जाना है, बॉय गॉड फुल स्वैग होगा अपना। हाँ दीदी हाँ। और मैंने तो सोच लिया वहां जाके ना मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, वो भी फुल स्पीड में। वहां ना स्पीड लिमिट होती है, चलान सीधा मेल पे आता है। अरे मैडम जी आजकल तो यहाँ पे भी आ जाता है। तो तुझसे आगे देख के चलाओ, मैं तो यहाँ पे भी आ जाते हैं। मुझे ना कनाडा के बारे में सब कुछ पता है। ओके अच्छा हाँ, अच्छा ये बताओ कनाडा में ड्राइविंग कौन सी साइड पे होती है? इतना आसान सवाल, अरे वो लेफ्ट हैंड वाली। वो लेफ्ट हैंड वाली क्या होता है? पूरा बोल जस्सू, लेफ्ट हैंड ड्राइव। वो छट ना यार, क्या फालतू की बातें लेके बैठ गए, कोई ब्रांड स्ट्रैंड की बातें कर। उसी पराठा वर्सेसे जस्सू गुची प्राडा वर्साचे। अच्छा हाँ, इतना दिलराज को भी पता है ना दिलराज? देख ले। ओ छोटू यार, और वैसे भी ड्राइविंग ड्राइविंग का मुझे चार डालना है क्या? मुझे तो मेरा हबी डियरस ले जाएगा हर जगह। मुझे तो मेरा हबी डियरस ले जाएगा हर जगह। जस्सू थोड़ा इंडिपेंडेंट बन, और वहाँ पे इतना टाइम किसी के पास नहीं होता,
और हबी डियरेस्ट काम करेगा ये आपकी जी हजूरी मैडम जी हजूरी रब करे जस्सू तुझे तेरा हबी डियरेस्ट दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे जैसे मैं करती हूँ और साथ में जी हजूरी भी करेगा तो चलेगा फतेह भाई फतेह यार मर गया तू वो गया तू यार अबे मरा हुआ तो तू लग रहा है ओए दांत फाड़ना बंद कर बैड न्यूज लेके आया हूँ जैस्मिन भाभी की ओए क्यों होया जैस्मिन को और जैस्मिन को नहीं जैस्मिन का क्या होया ब्याह चंडीगढ़ गई है शॉपिंग करने ब्याह के लिए और तुझे किसने बताया ड्यूटी दे रहा था तेरी कॉलेज के बाहर हाँ दो लड़कियों से सुना मैंने भाभी और उसकी फैमिली साथ में गया चंडीगढ़ ब्याह की शॉपिंग करने कितना मस्त है ना हाँ मैं एक मिनट में आई जस्सू चंडीगढ़ गई है ना मिस संधु मिसेस विर्क बन के वापस आएगी चल बूझो बैठ ओ बैठ ओ टाइम निकल गया गई भाभी हाथ से अब नहीं कोई उम्मीद ओ बूझो जिन दो दिलों की डोरी वो बांध के बेचता है ना उनको मिलने में भले ही देर हो जाए लेकिन ना उम्मीद ही नहीं होती है प्लीज जल्दी से मेरा हाथ दे के बताइए ना मैं कनाडा कब जाऊंगी आपके भाग्य में नहीं है आप नहीं जा पाएंगी कनाडा मुझे हाथ देख रहा है मेरा ये हाथ की लकीरों में उसका नाम लिखवा के लाया हूँ वो चाह के भी किसी और की नहीं हो सकती चल आप बैठ हाँ लिखा तो हुआ है मिस संधू चल हट परे पागल हो गया क्या लगता है बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आप जैसे डोंगियों को आपको क्या लगा मैं कहूंगी हाय पंडित जी कोई उपाय शुपाय बताओ ना कोई पाठ पूट करवाओ ना जैस्मिन सुन लो पंडित जी पैसे चाहे कितने ही लग जाए कनेडे तो मैं जाके रहूंगी टाइम तो देख मॉल भी चलना चल जल्दी हाँ चल चल मेरे चल। पैसे ओ तुम जैसे ठगी को पैसे नहीं देती मैं पैसे जस्सू सॉरी पंडित जी मेरी बहन थोड़ी चल रही है क्या मैं आपका हाथ देख सकता हूं नहीं पंडित जी थैंक यू प्लीज एक बार आप अपने परिवार से जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे वरना उनकी उलझने आपके पांव की बेरियां बन जाएंगी आपकी और आपकी बहन की यह हाथ की लकीरें एक दूसरे से गठी हुई हैं। लकीरें परिवार से नहीं गटेंगी तो किससे गटेंगी पंडित जी चलते हैं हेलो अमरीक कुछ पता चला अरे वेट करो अभी पता करता हूँ होल्ड करो हाँ जल्दी बता हेलो पिंकी सॉरी स्वीटी अच्छा सुन सिद्धू मूसेवाले का ना कॉन्सर्ट है अगले हफ्ते और मेरे पास ना वीआईपी टिकट्स भी हैं वो भी दो चलेगी मेरे साथ पक्का यार ये भी कोई पूछने वाली गल है चल ठीक है फिर गल पक्की अब तू फटाफट मेरा काम कर दे जो मैंने तुझे बोला था हेलो जैस्मिन कितने हैं तू फोन के चंडीगढ़ हाँ बस अभी अभी पहुंचे रॉक गार्डन घूम रही होनी है ना एक्सक्यूज मी मॉल में हूँ अरे
वो जीतू कुमार है ना, उसे लहंगा लेने। हेलो हेलो फतेहवीर मॉल। चल ठीक है ओके चल जल्दी मॉल। माता आ देखो आ तेरी होने वाली नू ना उत्थे। ओ माता मिलने नहीं, इन्हें रोकने जा रहा हूं ताकि ये 5 बजे तक बॉल ऑफिस ना पहुंच जाए। आई बात समझ? आहो पुत्र, अगर ये 5 बजे तक बॉल ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगी तो बॉल में हिस्सा नहीं ले पाएंगी, और बॉल में हिस्सा नहीं ले पाएंगी तो माता कनाडा जाने के सपने के साथ साथ ना इन दोनों बिचारियों के ना दिल भी टूट जाने, और फिर बिना कोई छानबीन किए इन्होंने हमारे जाल में चौकड़ी मार के बैठ जाना। माता समझ आई? माता मेरी है, तैयार कर लो नोटा वाला हार। बस देखो थोड़ा पुत हूं करदा की है। जस्सू पहली बार मॉल आई है क्या? ओ पहली बार नहीं आखिरी बार। इसके बाद तो वैसे भी हमने कनाडा के मॉल में शॉपिंग करनी है। अगर ऐसे सपने देखती रही ना तो हमारी रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन निकल जाएगी। पता है ना 5 बजे से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है। अभी सिर्फ 2 बजे। यार चलना तो जो प्लीज मेरे को बड़ी शॉपिंग करनी। ओए तू जस्सू इतनी कर ली, चलना है जस्सू अभी इतनी शॉपिंग तो कर ली। यार इतने बड़े मॉल में भाभी को कैसे ढूंढेंगे? ऐसे करते हैं तेरे हाथों की लकीरों में ना भाभी के नाम का गूगल मैप डलवा लेते हैं। वो तो पता है बाबूजी क्या कहते हैं, जिनके दिलों की डोरियां जुड़ी होती है ना उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। तू एक काम कर, तू उधर ढूंढ मैं इधर ढूंढता हूँ, और फोन कर अगर मिलेगी तो। कहते हैं कि दिलों की डोरियां जुड़ी हों तो मुलाकातें वजह की मौत आज नहीं होती, लेकिन नजर मिलने से पहले नजर लग जाए तो ये डोरियां टूट सकती हैं। तेजू वाओ यार कितनी सोनी है, तू रख ले। पर जैस्मिन अब अपने फैसले ना खुद लेने सीख ले, मैंने हमेशा तेरे साथ नहीं होना है। है नहीं होना, और जब मैं कनाडा जाऊंगी ना तब भी मेरे सारे कपड़े तू ही सिलेक्ट करेगी, वरना मैं तेरे घर आ जाऊंगी तेरी सारी चीजें लेने। ओहो मैं भी ना पागल हूँ, मैं तो भूल गई थी हम दोनों का ब्याह तो एक ही घर में हो रहा है, ओलक ब्रदर्स। कहाँ चली गई जस्सू? ये डोर है कुदरत की तेरी ओर खींचती, तू सामने है रहता जब आँख बीचती। हारियां हारियां मैं सब हारियां, खापांदे देश में नवायु डारियां, खापांदे देश में नवायु।